बेटा इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम इंग्लिश ग्रामर का अति महत्वपूर्ण चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और इसमें अब तक हम प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी जिसको कहते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीन टेंसेज की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है ये अभी तक हम आपको बता चुके हैं। आज हम पास्ट टेंस की चर्चा करेंगे, और सर्वप्रथम पास्ट टेंस का जो पहला टेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके विषय में बताएंगे कि उसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस रूल फॉर, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसकी पैसिव वॉइस निम्नलिखित स्ट्रक्चर के आधार पर बनाई जाती है, अर्थात अगर अफर्मेटिव, जब सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव होता है तो उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब टू बोलते हैं, अगर उस स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसकी पैसिव वॉइस, उसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव सब्जेक्ट होता है, प्लस वाज वर्ब, उसमें ही जा रहा है मानता था, इसमें वाज वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगल नंबर का सब्जेक्ट है तो वाज आएगा, और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो वर आएगा, प्लस मेन वर्ब थर्ड। मेन वर्ब थर्ड तो सभी में आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है पैसिव वॉइस में सभी लगभग, कुछ इंपेरेटिव वगैरह को छोड़ के उसके रूल्स अलग है, प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, पास्ट इंडेफिनिट के, सिंपल पास्ट के। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्टिव वॉइस, ही स्टोल माय बुक, उसने मेरी पुस्तक चुराई, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे रूल के अनुसार, माय बुक सब्जेक्ट हो गया और सिंगलर सब्जेक्ट है सिंगलर नंबर का, तो वाज आएगा, माय बुक वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन होती है, सेकंड फॉर्म स्टोल, थर्ड स्टोलन, माय बुक वाज स्टोलन, फिर बाय लगाएंगे, और जो उसका सब्जेक्ट है ही वो इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में ही हिम हो जाता है, माय बुक वाज स्टोलन बाय हिम। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल, निराला रोट द पोएम, निराला ने कविता लिखी, पैसिव वॉइस इसकी कैसे बनेगी, द पोएम वाज रिटन बाय निराला, द पोएम सब्जेक्ट हो गया ही पैसिव। इसी प्रकार थर्ड एक्टिव वॉइस, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जैसे उसमें डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, इसके नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों में डिड नॉट का ही प्रयोग होता है, और डिड नॉट के साथ मेन वर्ब फर्स्ट अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। The police did not catch the thief. Passive. The thief was not caught by the police. क्योंकि स्पष्ट है, एजेंट स्पष्ट है, कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि वो अगर स्पष्ट नहीं भी है तब भी हम अपने पास से लिख देते हैं, कुछ एजेंट अपने आप अर्थ से ही स्पष्ट हो जाते हैं पैसिव वॉइस के अर्थ से। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, अभी हम पीछे कुछ बताए थे मैंने लगभग 10, लेकिन उनके अतिरिक्त भी
कुछ ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो पैसिव वॉइस की सेंस से ही पता चल जाता है कि उसका सब्जेक्ट क्या होगा एक्टिव वॉइस में। जैसे द पेशेंट वाज क्योर्ड, मरीज ठीक कर दिया गया। पेशेंट वाज क्योर्ड, मरीज स्वस्थ कर दिया गया। किसके द्वारा कर दिया गया? अंडरस्टूड, सबको पता है डॉक्टर ने किया होगा पेशेंट को ठीक, और कौन कर सकता है। तो ये कुछ इस तरह के वो होते हैं सब्जेक्ट कि उसमें अगर ऑब्जेक्ट रूम में वो नहीं भी आ रहे पैसिव वॉइस में, तब भी वो स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे टेलीफोन वाज इन्वेंटेड, टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? सबको पता है कि ग्राम बेल ने किया था। ग्राम बेल का नाम सभी जानते हैं कि उसने टेली। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो अपने आप ही स्पष्ट हो जाते हैं। कुछ इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं जो अपने आप ही स्पष्ट हो जाते हैं, उनको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती। और अगर वो स्पष्ट है फिर तो कोई बात ही नहीं है। जैसे इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, तो इसमें पुलिस स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में ये होता था थीफ वाज नॉट कॉट, तब भी हमें पता था कि पुलिस जो थीप पकड़ा जाएगा वो पुलिस के द्वारा ही पकड़ा जाएगा, तो तब भी बाय द पुलिस इसमें आ जाता। अगर ये पैसिव वॉइस में इस तरह होता, एजेंट ना होता, और उसकी हमें एक्टिव वॉइस बनानी होती, तो अपने पास से हम द पुलिस लिखते। नेक्स्ट नंबर फोर, एक्टिव। डिड ही नॉट टीच द स्टूडेंट्स, ये ऑक्सिलरी से स्टार्ट हुआ है, डिड से। Did he not teach the students? क्या उसने विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया? तो इसकी पैसिव बनाएंगे तो इसमें वर्ब हो जाएगा, क्योंकि the students ये प्लूरल नंबर का है। Were the students not, फिर नोट आएगा, taught by him? इसी प्रकार नंबर फाइव है, ये इसकी एक्टिव वॉइस, इसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में प्रयोग हुआ है। Why? Why did the saint, saint संत को कहते हैं, संत महात्मा। Why did the saint not eat the mangoes, संत ने आम क्यों नहीं खाए? तो इसका पैटर्न ये है कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में रहेगा, फिर वाज्य वर्ग यहाँ पर आएगा क्योंकि मैंगोज है। Why were the mangoes, फिर नोट आएगा, Why were the mangoes not eaten by the saint? तो इस प्रकार हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अगले वीडियो में पास्ट प्रोग्रेसिव अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। आशा है कि आप अधिक से अधिक हमारे इस चैप्टर से लाभान्वित हो रहे होंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।